गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, ग्राम पंचायत। अगर हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ें और गांव के प्रशासन के बारे में न पढ़ें तो यह अधूरा है। इसलिए ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्राम का प्रशासन भी पढ़ना या उसके बारे में जानना उतना ही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 क्लास 6 NCERT का पॉलिटी है। तो भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। अब जब गांव में हैं तो क्या होगा, तो उसकी पानी बिजली सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गाँव का प्रशासनिक ढांचा होता है। और हम लोग इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू है, यहाँ से। मोहन क्या है, तो एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ, उसके खेत के साथ ही लगा हुआ क्या है, एक रघु का खेत है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर यह किनारा है और यहाँ पर दोनों आपस में अब किस तरह से लड़ रहे हैं। एक गांव, हर एक गांव की यही कहानी है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेर से, यानी मेर मतलब देखिए यहाँ पर एक गांव का ये बाउंड्री हो, सॉरी एक खेत का बाउंड्री हो गया, उसको मेर कहते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली। अब ऐसा नहीं है कि वो जमीन किलोमीटर में रहा होगा, जो ये काम होता है ना इंचों में होता है, और इसके लिए झगड़ा जब होता है आपस में किसानों के बीच तो वह सालों तक चलता है। अगर इतना कोई समझ जाए तो कोई किसान है, कोई व्यक्ति आपस में लड़े ही ना। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच कहासुनी हुई। जब कहासुनी होगी तो गांव वाले भी तो सुने ही होंगे। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेर को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई, यानी सर लोग फोड़ दिए लोग। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस यानी थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि इसे बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा क्या निकलेगा ये आप ही बताएंगे। आगे बढ़ते, लोगों ने यानी कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। क्लियर। अब मामला कहाँ पहुंचा, तो पुलिस में। और हम लोग फिल्मों में या सामान्य स्तर पर देख चुके हैं कि पुलिस का करेक्टर कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी दुर्घटना मारपीट झगड़े आदि की रपट यानी अंग्रेजी में समझिए ना FIR यानी रिपोर्ट करेंगे तो उसको रपट कहा जाता है। रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करें। अब मोहन थाने पहुंच गया, अब क्या होगा, यहाँ देखिए अब क्वेश्चन फिर आ गया। NCERT पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह के हर जगह मिलेगा।
आगे देखिए, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अगर कोई गांव में रहता है, गांव क्या, शहर में भी तो बिना बात कहीं विवाद हो जाता है, बस में जाइए, रेल में जाइए, कहीं भी जाइए, बैठने के लिए सीट के लिए झगड़ा हो जाता है। मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए हैं, अब ऐसा समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार क्या है, ये तो बिक गया है, तो देखिए क्या होगा। लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, परेशान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अब क्या होगा, अब थानेदार पर प्रेशर पड़ा। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुँचेगा। तब क्या होगा, अब पुलिस थाने में, यहाँ देखिए, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाई। अब ये स्कूल का काम है। आगे देखिए, अब राजस्व विभाग का काम, ये तो थाने का काम हो गया, अब राजस्व विभाग का काम। हम लोग पढ़े कि मोहन और रघु में खेत की मेर को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? तो चलिए पता करते हैं ऐसे किससे होगा। इसका भी विभाग होता है, जैसे जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं इसको पटवारी, तो कहीं लेखपाल, तो कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं इसको कानूनगो कहा जाता है। हमें यहाँ, यानी किताब लिखने वालों ने क्या किया, हमें यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। हम लोग अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के वितरण को देखिएगा। मतलब क्या होता है, हर गांव में एक रजिस्टर होता है किसके पास, कानूनगो के पास या पटवारी के पास, हर एक गांव के नाम से। और एक गांव, इसी तरह दूसरा रजिस्टर होगा बी गांव, इसी तरह तीसरा रजिस्टर होगा सी गांव, सारे रजिस्टर होंगे। अब जो रजिस्टर होगा उसमें प्रत्येक पर एक पन्ना में क्या, उस गांव में किसी का नाम रहेगा और उससे संबंधित जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर से लिखा रहता है, उसका चौहद्दी भी, उसके साइड में किसका जमीन है और वो कितना उसका क्षेत्रफल है, वो रकबा दिया रहता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी रजिस्टर के वितरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है। जंजीर इस तरह रहा है, फिर इसमें इसको जोड़ दिया, फिर आगे, फिर इसमें से इसे जोड़ के एक और, इसी तरह लंबा जंजीर रहता है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेल किसका खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ये देख लीजिए, जो हम बताए थे वही है। ये गांव है और गांव में बहुत एक प्रत्येक गांव का उसके पास अलग अलग रजिस्टर होगा। उस रजिस्टर पर अंदर पेज होगा, जिस पेज पर क्या लिखा होगा, उस पर जमीन के मालिक का नाम,
और उस मालिक में उसका जितना ज़मीन है वो लिखा होगा, उसमें फिर ज़मीन के बारे में लिखा होगा, वो खेत का नंबर कितना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना है, वो हेक्टेयर में इस तरह के नक्शे दिए रहते हैं। और एक गांव का नक्शा इसी तरह का गांव का नक्शा रहता है, इसमें यह क्या एक पतली सड़क है, हाँ देखिए यह डॉट क्या है, यह सीमा है, खेतों की सीमा हो गई। यह डॉट अलग अलग डॉट, तो यह चारागाह है। यह चौड़ा यह क्या है, कच्ची सड़क, तो यह कच्ची सड़क है। और यह डबल डॉट वाला यह पक्की सड़क है। यह पेड़ के लिए इस तरह का सिंबल रहता है। और कुआं है तो कुआं के लिए एक कुआं हो गया, ब्लैक डॉटेड रहता है। और खेत का इसी तरह का, ऐसा नहीं है कि गांव में प्रत्येक खेत सब बराबर होता है, सब अलग अलग रहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर अब पटवारी का काम क्या है। देखिए किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, यानी जो नक्शा है वो नक्शा नक्शा किसको, किसान को दिया जाता है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल सकते, लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड अब कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि भी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब होगी? अब नीचे दिए गए स्थिति में पढ़ें। जैसे एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन अगर खरीदना चाहेगा तब तो, दूसरा एक किसान अपनी फसल से फसल दूसरे को बेचना चाहेगा तब तो, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तब तो, एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहेगा तब तो, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, तभी तो उसको कागज चाहिए, तब ना बांट पाएगा। आगे बढ़ते हैं, करता है इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर अपडेट यानी दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, यानी भारत क्या है, मान लीजिए भारत है, इसमें इस तरह से राज्य हैं। अब राज्य जो हुआ, राज्य के अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे जिले हैं, फिर जिले में क्या अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक में गांव है। तो देखिए भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हैं और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार, और उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के कामों का निरीक्षण करते हैं, कौन तो तहसीलदार, यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर टैक्स इकट्ठा होता रहता है। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी इशू या आवासीय भी बनाने में मदद या इशू करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। अब एक नया कानून देख लीजिए, यहाँ पर हिंदू अधिनियम एक्ट 2005 की बात करते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा आगे करेक्टर एक खेतिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह एक बिटिया की चाह, तो यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा है कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। अब करवा रही हैं। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती के काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब यहाँ देखिए सार्वजनिक सेवाएं का एक सर्वेक्षण दिया हुआ है।
यानी इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में हम लोग पढ़े, जैसे खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण था कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, वहीं दूसरे मामले में यानी पटवारी की भूमिका का इसके काम का सॉरी इनके काम इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक किसका तो थानेदार का निरीक्षण करेंगे, तो तहसीलदार किसका तो कानून को या पटवारी का। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएँ आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को भी तो देखा ही होगा। अब अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई, जैसे दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि बना सकते हैं। ये आप लोगों का काम है और वही बनाइए। और यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक सभा, क्लियर। जैसे उसमें क्या होगा, यहाँ राशन की दुकान, तो दुकान में आपने उनके काम के बारे में क्या देखा होगा यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में इसी तरह स्वास्थ्य केंद्र, तो कैसा काम करके लिखेंगे। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, तो क्षेत्र के बारे में लिख दीजिए कौन कौन गांव आता है। इसी तरह आगे ग्राफ बना दीजिएगा। चलिए अभ्यास करते हैं। पुलिस का काम क्या होता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी कहीं पर कोई विवाद हो जाए, मारपीट हो जाए या बहुत सारे काम होते हैं, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो डिटेल से, उसका ये नियंत्रण करता है। पटवारी, जहाँ पुलिस मारपीट देखती है नॉर्मल बात है, वहीं पटवारी कागजी काम देखता है, यानी जमीन संबंधित दस्तावेज पर देखता है, उस पर नियंत्रण रखता है, कर इकट्ठा करता है। तहसीलदार का क्या काम है, यह पटवारी का के ऊपर होता है और जिलाधिकारी के नीचे होता है, और यह जमीन संबंधी जो दस्तावेज है उनका निरीक्षक होता है। अब एक बिटिया की चाह कविता में हम देखिए कि बिटिया है उसकी क्या क्या चाहत है। पिछले पाठ में हम लोग क्या पढ़े थे, पंचायत के बारे में, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। पंचायत क्या करेगा, यह डेवलपमेंट का काम करेगा, यह भी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएगा, लेकिन पटवारी क्या है, इसमें भी यह भी तो सहायक है। जैसे पटवारी के पास रिकॉर्ड है और पंचायत के लोगों को रिकॉर्ड के बारे में जानकारी होगी, तभी ना ग्राम पंचायत सही ढंग से अपने पंचायत के बारे में कार्य कर सकेगा, निर्णय ले सकेगा, यानी तीनों मतलब पंचायत, पटवारी और ग्राम सभा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, एक जिले में तो SP यानी पुलिस अधीक्षक। और चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को क्या फ़ायदा, यानी अब ये माता या पिता मान लेते हैं, तो अब इनके पहले क्या था कि सन प्रिफ्रेंस था और महिलाओं को अधिकार न मिलता था, लेकिन अब ये दोनों बराबर हो गए। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिनके नाम जमीन जायदाद हो, अगर हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत देख लिए और ग्राम का प्रशासन देख लिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नगर प्रशासन, क्लियर है। तो ये अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।